नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां यूक्रेन और रशिया आमने सामने हैं, दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पे बहुत बड़ा अटैक करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। इजराइल ने बता दिया है कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ईरान वाले सचेत हो जाओ, तुम्हें दौरा दौरा के पीटेंगे। तुम्हारा जो सपना है कि हम परमाणु बनाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक हम हैं तब तक ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ, जिस दिन हम ख़त्म हो जाएंगे तुम बना सकते हो, लेकिन जब तक हम रहेंगे तब तक तुम्हारा अस्तित्व में हम बिल्कुल नहीं परमाणु बम आने देंगे। और दोस्तों, इजराइल ने ओपनली कहा है आने वाले समय में इस तरह का हमला और करते रहेंगे, और ईरान का चाहे साइंटिस्ट हो या फिर वहाँ के आम लोग हो, सबको टपकाते रहेंगे। मेरा एक ही उसूल है, वो है ईरान को परमाणु बम से रोकना। और बड़ी बात तो यह है, उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे अमेरिका मेरा साथ दे ना दे, चाहे यूरोप मेरा साथ दे ना दे, लेकिन हम तो ईरान को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ईरान अगर आगे बढ़ेगा तो हम मर जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे करो और मरो का सिचुएशन है, उसे हमने पूरा कर दिया। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है, और बड़ी बात तो यह है कि ईरान बौखला गया है। ईरान ने यहाँ पे बोला है कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे भारत, रसिया, अमेरिका, चाइना सबका एंट्री हो चुका है, सब परेशान। आखिरकार अब क्या होने वाला? दोस्तों, जिस प्रकार से ईरान पे बार बार हमला हो रहा है, पूरी दुनिया सदमे में है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार इससे क्या बड़ा नुकसान होने वाला है, और इजराइल ने किस प्रकार से ईरान में हमला किया है और किस प्रकार से भयंकर नुकसान पहुँचाया है। और आज ईरान के लोग सड़कों पर है, अपने सरकार को घेर रहा है, खासतौर पर हसन रूहानी को घेर रहा है, बोल रहा है आखिरकार हम लोग अपने हाथ पे चूड़ियां पहने क्या? जब भी कोई आता है हमें बैंड बजाता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप था या फिर इजराइल, सब हमें केवल मारता ही मारता। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आप लोग कुछ करते क्यों? दोस्तों, वहाँ के लोग अपने सरकार को घेर रहा है, खासतौर पर हसन रूहानी को घेर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जाए, आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ईरान के ऊपर कई सालों से भूत सवार हुआ है परमाणु बम बनाने का। उनका मानना है कि परमाणु बम बनाएंगे तो हम खासतौर पर खाड़ी देशों का शहंशाह बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, हम सबको अपने सरों पे नचाएंगे। वर्तमान में दो देश है जिसके ऊपर भूत सवार, एक तुर्की है और दूसरा ईरान है, जिसे परमाणु बम बनाना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौता को तोड़ दिया था, रद्द कर दिया, बोला था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और तब से लेकर दोस्तों, इजराइल खासतौर पर ईरान के कई सारे परमाणु अड्डे पे बम ब्लास्ट कर चुका है, बमबारी कर चुका है। बड़ी बात तो यह है कि इजराइल ने ईरान के बहुत बड़ा, खासतौर पर अब जानते हैं दोस्तों, साइंटिस्ट यानी कि न्यूक्लियर फादर आप कह सकते हैं ना, वहाँ का फकरीजादे को दोस्तों मार चुका है, यानी कि फकरीजादे साइंटिस्ट था, वहाँ का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, उसे भी इजराइल अब तक मार चुका। सिंपल सी बात है, इजराइल का की फंडा है वह है ईरान को रोकना। इन सब के अलावा जब तक डोनाल्ड ट्रंप था तब तक इजराइल और अमेरिका भाई भाई जैसा काम कर रहा था, दोनों साथ मिलकर काम कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के जो कासिम सुलेमानी है, खासतौर पर आर्मी कमांडर, उसे भी मार दिया। सिंपल बात, तो दोनों का एक ही मकसद था, ईरान को तहस नहस करना। लेकिन यहाँ पे बाइडेन दोस्तों बहुत ही शांति प्रिय काम करना चाहता है, वो चाहता है कि ईरान के साथ समझौता हो जाए, ईरान से न्यूक्लियर डील हो जाए और फिर ईरान को छोड़ दिया जाए, ईरान अपने मन से जो करना है करे, कोई इशू नहीं है। दोस्तों, ऐसा खासतौर पर अमेरिका का मानना है, लेकिन यहाँ पे इजराइल बिल्कुल होने नहीं देगा। अब अभी हाल में क्या हुआ है, हाल ही में इजराइल के जो सरकारी यानी कि मोसाद, दोस्त जानते हैं ना मोसाद, अपने आप में दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, मोसाद को खासतौर पर जानेंगे ना तो समझ जाएंगे भाई, एक छोटा सा देश इजराइल है, लेकिन मोसाद ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। मोसाद ने इजराइल का नाम कहीं बहुत ही ऊपर तक ले चुका है। सिंपल से बात करें, वही मोसाद ने ईरान के ऊपर साइबर अटैक किया है। बड़ी बात है दोस्तों, साइबर अटैक किया है, वो भी बहुत बड़ा साइबर अटैक, जिसे पूरे ईरान में हड़कंप हो चुका है। आप बोलेंगे भाई आखिरकार इजराइल ने किस प्रकार से साइबर अटैक किया है और उसे क्या नुकसान हुआ है? देखिए दोस्तों, आज से 4 साल पहले देखेंगे, 5 साल पहले देखेंगे तो इजराइल कभी भी साइबर अटैक खास रूप से ईरान पर नहीं करता था। पता क्या है, एक कारण था, क्योंकि ईरान जो भी काम करता था ना, वो है अपने देश में खुलेआम करता था, ठीक है, खासतौर पर न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पर सब कुछ था। ईरान का मानना है कि हम जो ये न्यूक्लियर खासतौर पे रिफाइन कर रहे हैं, खासतौर पे कच्चा न्यूक्लियर को हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, वो है बिजली बनाना। हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, परमाणु बम बनाकर हम क्या करेंगे, हमें तो बिजली बनाना है। दोस्तों, इसीलिए ईरान अपने देश में एक परमाणु प्लांट लगाना, यानी कि परमाणु रिफाइनरी प्लांट बना रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि जब खुलेआम होता था ना, उस समय इजराइल खुलेआम उस पर बलम ब्लास्ट करता था, उस पर खासतौर पर मिसाइल डालता था, उसे उड़ाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी कुछ दिनों से यानी कि 1-2 साल से ईरान बहुत ही दोस्तों दिमाग लगाया है, क्या किया है, पहाड़ में जाकर, ठीक है, पहाड़ के अंदर बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा खोज के, यानी कि अंडरग्राउंड दोस्तों अब वो काम करे, यानी कि जो काम पहले खुलेआम करता था अब क्या हो रहा है, पहाड़ी इलाका में हो रहा है, पहाड़ के अंदर हो रहा है,
जहाँ पे कोई भी मिसाइल दाग दो, कोई भी बम फोड़ दो, कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों पहाड़ के अंदर इतना गड्ढा किया जा रहा है ना, यहाँ पे कोई असर पड़ने वाला ही नहीं। यहाँ पे आप मिसाइल से या फिर यहाँ पे आप बम बरसक से कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, आपको कोई तीसरा दिमाग लगाना होगा। और इसीलिए इसराइल ने तीसरा दिमाग ये लगा कि अब उसे साइबर अटैक किया। दोस्तों साइबर अटैक कैसे किया, देखिए आप जानते हैं पहाड़ी इलाका है, ठीक है, अंडरग्राउंड है, धरती के जमीन के अंदर में है, तो वहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा होगा और वहाँ पे 24 घंटा बिजली चाहिए, ठीक है। तो बड़ी बात तो यह है कि ईरान जहाँ से बिजली सप्लाई करता था, बड़ी बात तो यह है कि उसी बिजली को पूरी तरह से कट कर दिया, यानी कि साइबर अटैक से पूरी तरह से वहाँ पे अंधेरा ला दिया। और जहाँ पे ईरान का जो पुरानो प्लांट है, खासतौर पर पुरानो रिफाइन हो रहा है, दोस्तों कई जगह पहाड़ों में है, हर जगह अंधेरा छा गया। और वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही अंधेरा छाया वहाँ पे दोस्तों मशीन अनबैलेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बिजली चाहिए, बिना बिजली का मशीन दोस्तों अनबैलेंस हो जाता है। और कई सारे साइंटिस्ट दोस्तों उस मशीन के अंदर चप गया, कई सारे साइंटिस्ट दोस्तों हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कई सारे साइंटिस्ट घायल हो गए। यानी कि जैसे ही बिजली कटा बहुत सारे आदमी को नुकसान हुआ। और कह सकते हैं कि अब तक दोस्तों कहा जा रहा है कम से कम 40-50 साइंटिस्ट दोस्तों कोमा में हैं, यानी कि सबको जबरदस्त नुकसान पहुँचा है, सब पूरी तरह से पिच गया, यानी कि एक ही काम से तमाम वैज्ञानिक वहाँ पे दोस्तों सदम चला गया। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना, जैसे बिजली कट हो क्या हुआ, सब वहाँ पे दोस्तों मशीन ऑटोमेटिक बंद हो गया और पहाड़ी इलाका में दोस्तों अंधेरा छा गया। और वहाँ पे सब कुछ बंद होने से अफरा तफरी मचा और कई सारे वैज्ञानिक के देह पे मशीन गिरा, किसी के देह पे कुछ गिरा और बहुत सारे वैज्ञानिक आज हॉस्पिटल में भर्ती है। आप पूछेंगे सरकार ईरान के ऊपर इस तरह का हमला से क्या असर पड़ेगा, क्या आने वाले समय में और कुछ हो सकता है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं इजराइल खासतौर पे साइबर अटैक में बहुत आगे, ठीक है, साइबर अटैक करने में बहुत आगे है, वो हैकिंग करने में बहुत आगे है। और साइबर हमला दोस्तों ईरान पे लगातार करता रहेगा। और आप देखेंगे जिस पहाड़ी इलाका में खासतौर पे न्यूक्लियर प्लांट है, जहाँ पे रिफाइन हो रहा है, देखेंगे कभी कभी दोस्तों उस प्लांट पे उड़ा देगा। देखेंगे पहाड़ के अंदर घुस कर दोस्तों ऐसा मिसाइल दागेगा ना, जो पहाड़ को छेदा करते हुए वहाँ जाएगा, उसे ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि ईरान उससे काम कर रहा है। क्योंकि इजराइल ऑलरेडी बोल चुका है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, पहाड़ को चीरते हुए ईरान के तमाम बड़े बड़े जो फैसिलिटी सबको उड़ाएंगे। दोस्तों ईरान का दावा है कि बहुत जो हम पुराना संबंध देश बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ईरान ने अब तक कम से कम 85% जो काम होता है ना, खासतौर पे न्यूक्लियर, खासतौर दोस्तों यूरेनियम को प्योरीफाई करने में, दोस्तों उस यूरेनियम को प्योरीफाई करने के लिए 85% काम कर चुका, ठीक है, बाकी 15% काम बाकी है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 15% काम हो गया तो आप देखेंगे ईरान सचमुच में परमाणु संपन्न बन जाएगा और देखेंगे रातों रात अपने आप को परमाणु स्टेट घोषित कर देगा, बोल देगा कि हम परमाणु संपन्न देश है, हमारे पास परमाणु मिसाइल है, हम किसी को कुछ कर सकते हैं। और देखेंगे उसी दिन से इजराइल और सऊदी कहानी खत्म कर देगा और फिर क्या होगा, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और चाइना मिलकर एक ब्लॉक बना लेगा और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में दोस्तों अपना ही से कदम आएगा और सऊदी अरब इजराइल का कहानी खत्म करने का पूरा प्रयास करेगा।